डॉक्टरेंस बायोलॉजी इंस्टीट्यूट हाजीपुर में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मेरे प्यारे शिष्य और शिष्या, जिन्होंने इस कठिन समय में भी अपने पढ़ाई को छोड़ा नहीं है, इसीलिए समय के अनुसार मेहनत करें ताकि आने वाला जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें आप आसानी से सफल हो सके। इसीलिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए आज प्रैक्टिस पेपर लेके आए हैं और इस प्रैक्टिस पेपर में कुछ क्वेश्चन का सेट है। स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है, ईस्ट में अलैंगिक जनन की क्रिया किससे होता? ईस्ट एक प्रकार का फंगस है, फफूंदी है स्टूडेंट, ऐसा एनसीईआरटी में फिगर बनाया गया, यही ईस्ट है स्टूडेंट। इसको आप देख नहीं सकते हैं, इससे ब्रेड भी बनाया जाता है, ईस्ट से अल्कोहल भी बनाते हैं और इसमें अलैंगिक जनन की क्रिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुकुलन विधि द्वारा होता। उसका आपको मुकुलन जो आगे वाला सतह पर जो बॉड बना हुआ है टूट के नया ईस्ट बना देता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बॉडी मुकुलन। दूसरा क्वेश्चन है, जिस पौधा में केवल एक बार फ्लावरिंग होता है, जीवन में एक बार फूल लगता है, वैसे प्लांट को हम क्या कहेंगे? प्लांट प्रोड्यूस सिंगल टाइम फ्लावरिंग इन लाइफ इज कॉल्ड, तो ऐसे पौधा को मोनोकार्पिक पौधा कहा जाता है। मोनो मतलब एक और कार्पिक मतलब फूल लगना, एक बार फूल लगेगा उसको मोनोकार्पिक पौधा कहा जाएगा। स्टूडेंट समझे? उसके बाद अब देखिए अगला क्वेश्चन, आसानी से समझ में आ जाएगा और लास्ट में जब क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तो आप लोग याद रखने के लिए, कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पत्ती से कायिक जनन क्रिया किस में होता है? तो एक स्टूडेंट ब्रायोफाइलम का पौधा है, इसमें लीफ में एक खास टाइप का बॉड का निर्माण होता है और यह बॉड डेवलप होके नया प्लांट बनाता है, तो इसका आंसर होगा ब्रायोफाइलम, जिसको पत्थरचट्टा भी कहा जाता है। तो ब्रायोफाइलम एक वैसा पौधा है जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लीफ के द्वारा होता है, पत्ती के द्वारा होता है। उसके बाद चौथा है, अनिषेक जनन क्रिया का खोज किसने किया था? तो चार्ल्स बोनेट नामक साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था। चार्ल्स बोनेट नामक वैज्ञानिक ने पार्थेनोजेनेसिस क्रिया का खोज किया था, तो चौथा का आंसर होगा चार्ल्स बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एप्पल इज एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ फ्रूट? सेब किस प्रकार के फल का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फल्स फ्रूट, आभासी फल। क्यों आभासी फल का उदाहरण है? क्योंकि फ्लावर में जो ओवरी होते हैं जो फ्रूट का निर्माण करता है, इससे फल का विकास इसमें नहीं होता, इसीलिए स्टूडेंट एप्पल इज एग्जांपल ऑफ फल्स फ्रूट, एप्पल सेब जो होते हैं वह फल्स फ्रूट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट में जो मेल गैमिट होते हैं, जो माइक्रोस्पोर होते हैं, पौधा में बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। जिस प्रकार ह्यूमन बींग्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट, उस क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो प्लांट में जब माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन के द्वारा तैयार होता है, मेल गैमिट जो होगा बनता है, तो इस इवेंट को क्या कहते हैं? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। परागकण का साइज कितना होगा स्टूडेंट? साइज पोलन ग्रेन का साइज कितना होगा? तो 25 से 50 माइक्रोमीटर पोलन ग्रेन का साइज होता है। उसके बाद पोलन ग्रेन के कवर को क्या कहते हैं? स्पोरोडर्म कहा जाता है।
इसमें दो कवर होते हैं स्पोरोडर में स्टूडेंट, बाहरी कवर को बोलते हैं एग्जाइन और आंतरिक कवर को इंटाइन कहते हैं। तो पोलन ग्रेन सराउंडेड बाय टू कवर, आउटर कवर ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एग्जाइन व्हिच इज मेड अप ऑफ हाईली रेसिस्टेंट केमिकल कॉल्ड स्पोरोपोलिनिन, बट इनर कवर ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन व्हिच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। समझे? तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट स्पोरोडर्म हो गया। उसके बाद मकई में और घास में परागण क्रिया किससे होता है? तो एयर से, वायु से होता है स्टूडेंट। किससे होता है? वायु से। अगर पूछेगा जे मक्का में परागण क्रिया किससे होता है, तो वायु से होता है। उसके बाद परागकण को जमा कितना ताप पर करते हैं? तो -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन के ताप पर जमा किया जाता है। समझे स्टूडेंट? तो यह 10 क्वेश्चन का सेट है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले ले और कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लेंगे, और जहां भी दिक्कत होगा, कठिनाई होगा, आप मैसेज के द्वारा सूचित कर सकते हैं। समझे? हम फिर उसको समझाएंगे, एक एक पॉइंट को बताएंगे। चलिए आज का क्लास, आज का प्रैक्टिस सेट इसी टाइम में समाप्त करते हैं। थैंक यू।